हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी। स्टूडेंट्स, आप अपनी वीकली करंट अफेयर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज कवर करेंगे 11 से 17 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अच्छे से कवर करेंगे। अगर हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, डू सब्सक्राइब अवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन। ओके, सो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आप कमेंट सेक्शन में उनका रिप्लाई करने की कोशिश जरूर कीजिएगा वीडियो के बीच में। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। तो पहली न्यूज हमारे पास वाटर से रिलेटेड है, पानी से रिलेटेड है। देखिए, हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ समय पहले एक स्कीम शुरू की, जल जीवन मिशन। व्हाई, क्या जरूरत है स्कीम की और इसका टारगेट क्या है? इसका टारगेट था भारत के हर घर में टैप ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करना, भारत के 2.3 लाख हाउसहोल्ड्स को कवर करना जहां पर हम टैप के थ्रू ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कर सकें। और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने टारगेट रखा था बाय 2024 तक भारत के हर घर में टैप ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करना, दैट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। अब देखिए, हमारे पास एक स्टेट है गोवा। गोवा थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चला गया और गोवा ने क्या कहा कि हम ये जो टारगेट है हमारी स्टेट के लिए रखेंगे 2021, लेकिन उन्होंने उससे भी आगे जाते हुए अब भारत की वो पहली स्टेट बन गए हैं गोवा जिन्होंने अपनी हर घर में, अपने गांव के हर घर में टैप ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई जो है वो पहुंचा दी है। ठीक है, सो दैट इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू डू सो। अब देखिए, जो चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, अब यहाँ पर जो पॉइंट्स आपको बताने चाहिए इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है, वो देखिए कि एक तो नेशनल लेवल टारगेट क्या है। नेशनल लेवल टारगेट है स्कीम का, जल जीवन मिशन का, 2024। दूसरा पॉइंट क्या होना पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव टू सप्लाई या टू प्रोवाइड 55 लीटर, ये चीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, टू सप्लाई 55 लीटर ऑफ वाटर, टू सप्लाई एटलीस्ट टू सप्लाई 55 लीटर ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे टू एवरी रूरल हाउस होल्ड। ठीक है, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, ठीक है, पर पर्सन पर डे। तो आप ये समझिए कि सिर्फ ये नहीं है स्टूडेंट कि आपने सिर्फ यहाँ पे वाटर का कनेक्शन दे दिया, टैप वाटर का कनेक्शन दे दिया, पानी उसमें आए ना। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक और टारगेट सेट किया कि 55 लीटर पानी देना है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। ठीक है, और इसके लिए आपको ये भी याद रखिएगा, एक पॉइंट तो ये हमारे पास हो गया, दूसरा पॉइंट आप ये भी याद रखिएगा कि टोटल फंड एलोकेट कितना किया गया है। सो फंड एलोकेशन इस पूरी स्कीम के लिए, जल जीवन मिशन के लिए टोटल फंड एलोकेशन कितना किया गया है हमारे पास, दैट इज ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ रुपए इस पूरे प्रोजेक्ट पे खर्च करने का गवर्नमेंट टारगेट लेकर चल रही है। सो डू रिमेंबर दीज पॉइंट, दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। चलिए जी, आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, कमेंट सेक्शन में आप जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा कि हमारे पास मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर जल शक्ति कौन है, हु इज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर जल शक्ति, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए स्टूडेंट, हु इज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर जल शक्ति। ओके, याद रखेंगे स्टूडेंट। हाँ जी, करेक्ट आंसर है रतन लाल कटारिया। ठीक है, रतन लाल कटारिया करंट है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। याद रखिएगा, मैंने मिनिस्टर ऑफ स्टेट पूछा था, मैंने यूनियन मिनिस्टर नहीं पूछा था। रतन लाल कटारिया हमारे पास मिनिस्टर ऑफ स्टेट है जल शक्ति के। ठीक है, हरियाणा से बिलोंग करते हैं, याद रखिएगा। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास 2020 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज। देखिए, नोबेल प्राइज सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इकोनॉमिक्स का भी अपने आप में इंपॉर्टेंट नोबेल प्राइज हो गया। तो आप यहाँ पर जो पॉइंट्स याद रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स जो है वो लेटर ऑन शुरू किया गया। स्टार्टिंग में 5 नोबेल प्राइज हुआ करते हैं। नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया गया कौन से ईयर में, पहली बार कौन से ईयर में दिया गया, 1969 में। तो कई बार तो पेपर में यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा नोबेल प्राइज ऐसा है जिसको लेटर ऑन स्टार्ट किया गया। सो हमारे पास नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस ये स्टार्ट किया गया 1969 में। ठीक है, अब एक चीज और याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारे पास इसको सेवर्जिस रिस्क बैंक प्राइज भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, एक्चुअली ये जो सेवर्जिस रिस्क बैंक है ये स्वीडन का सेंट्रल बैंक है। ठीक है, ये जो सेवर्जिस रिस्क बैंक है स्वीडन, जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक आरबीआई है ना, तो ये स्वीडन का सेंट्रल बैंक है। तो जैसे आप ये समझिए कि स्वीडन के सेंट्रल बैंक के इनिशिएटिव की वजह से ये अवार्ड स्टार्ट हो पाया, तो इसी वजह से इसको सेवर्जिस रिस्क बैंक अवार्ड भी आज की डेट में कहा जाता है। अब क्वेश्चन कि हमारे पास ये अवार्ड मिला किसको है, तो दो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट को मिला है, पोल आर मिलग्रोम को और रॉबर्ट बी विल्सन को। तो इसको इस तरह से याद रखिएगा, मिलविल, ठीक है, मिलविल गोट इकोनॉमिक्स, मिलविल, ठीक है, इकोनॉमिक्स। तो इस तरह से कुछ याद रख लीजिएगा। और यहां पर इनकी जो जो जिसकी वजह से इनको अवार्ड मिला है वो है ऑक्शन थ्योरी। ठीक है, जो काम इन्होंने किया बेसिकली इन ऑक्शन थ्योरी के ऊपर इन्होंने काम किया, तो इसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स मिला। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आप याद रखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आपसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि इंडिया में कई लोगों को नोबेल प्राइज मिला इकोनॉमिक्स में, लेकिन सबसे पहले हमारे पास अमर्त्य सेन वो पर्सन थे, ठीक है,
जिनको नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट ये कमेंट करके बताइए कि अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज कौन से ईयर में मिला था, ठीक है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि हमारे पास अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज कौन से ईयर में दिया गया था। ओके, याद रखेंगे अमृत सेन गोट नोबेल प्राइज इन द ईयर 1998, 1998 में नोबेल प्राइज मिला था हमारे पास अमृत सेन को। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, वो क्या कि किस लिए मिला था इन्हें, फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, ठीक है। इनको मिला था वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको आने वाले रेलवे एसएससी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, देखने को मिल सकता है, तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए अमृत सेन को 1998 में मिला था नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास वर्ल्ड सेकंड स्मोक टावर एट कनॉट प्लेस। सो दिल्ली का पॉल्यूशन लेवल स्टूडेंट आसमान छूने लगा है अभी से। दिल्ली में पॉल्यूशन की प्रॉब्लम हमेशा से हम सुनते आ रहे हैं बचपन से ही, और ये अब दिनों दिन वर्स होती जा रही है। तो यहां पर एक तो इन्होंने सिस्टम शुरू किया है ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी। इसमें क्या होगा कि जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से जिस भी ट्री को उखाड़ा जाएगा तो उसको शिफ्ट करने की कोशिश की जाएगी। यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। और इन्होंने एक और सिस्टम यहां पर लगाया है, एक सिस्टम और स्टार्ट किया कि अगर एक ट्री को कट डाउन किया जाता है, मान लीजिए एक ट्री को कट डाउन किया जाएगा तो उसके बदले में 20 सैपलिंग्स लगाए जाएंगे, मतलब कि 20 पौधे लगाए जाएंगे अगर एक ट्री को कट किया जाता है दिल्ली में। ये पॉलिसी दिल्ली की चली रही है। तो एक तो आप याद रखिएगा ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी इन्होंने स्टार्ट की है दिल्ली ने, और स्मोक टावर लगाने शुरू किए हैं, ठीक है। स्मोक टावर इन्होंने लगाने शुरू किए हैं चाइना के बाद इंडिया में भी स्मोक टावर लगने शुरू हुए हैं, ताकि जो एयर है उसको थोड़ा सा सिंपल लेवल पर हम थोड़ा सा उसके अंदर जो पॉल्यूटेंट्स है उसको कंट्रोल कर सके, स्मोक को हम खत्म कर सके। सो बोथ अप्रूवल्स ऑफ द पार्ट ऑफ दिल्ली मूवमेंट, दिल्ली की एक अंदर मूवमेंट चल रही है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। तो आपसे मैं ये भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध हमारे पास कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी की स्कीम है, तो वो है दिल्ली, ओके। अब आपको थोड़े से और पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। दिल्ली की हवा बहुत जहरीली है, ठीक है, और यहां पर आपको सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली चीजें देखने को मिलेंगी वो है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, याद रखिएगा SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO, ठीक है। सो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये हमारे पास बहुत बड़े लेवल पर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं दिल्ली की एयर में। अब यहां पर आपको मैं एक और चीज बता देता हूँ, दिल्ली गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि आने वाले टाइम तक यानी 2024 तक दिल्ली में जो नए व्हीकल्स रजिस्टर्ड हों उसमें से क्वार्टर, एटलीस्ट एक क्वार्टर व्हीकल्स जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो। तो दिल्ली अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रहा है अपने यहाँ पर, ठीक है। चलिए आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ साइंस से रिलेटेड। अब यहाँ पे स्मोक की बात हुई थी, तो आप मुझे स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कि जो हमारे पास हम एक टर्म सुनते हैं फोटोकेमिकल स्मोक, ESSC ने क्वेश्चन पूछा भी है, मैं वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। फोटोकेमिकल स्मोक होता है हमारे पास, फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्म्ड व्हेन यूवी लाइट रिएक्ट्स विद विच ऑक्साइड, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्म्ड व्हेन यूवी लाइट रिएक्ट्स विद विच ऑक्साइड, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, याद रखिएगा फोटोकेमिकल स्मोक जो है वो हमारे पास फॉर्म होती है जब यूवी लाइट यानी अल्ट्रा वायलेट लाइट फ्रॉम द सन रिएक्ट विद नाइट्रोजन ऑक्साइड। याद रखेंगे स्टूडेंट करेक्ट आंसर है नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये फोटोकेमिकल स्मोक का जो क्वेश्चन है वो आप याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। और दिल्ली पॉल्यूशन को देखते हुए एक और चीज है हमारे पास, वो भी याद रख लेना कि रेड लाइट ऑन गड्डी ऑफ, ये कैंपेन भी यहां पर लॉन्च की गई है कि रेड लाइट पे आप जो है अपनी गाड़ी को ऑफ रखें, ठीक है। तो देखिए पिछले साल अरविंद केजरीवाल ने बहुत ज्यादा बवाल किया था कि हरियाणा पंजाब के किसान जो है स्टबल बर्निंग करते हैं, पराली को जलाते हैं, जिसकी वजह से दिल्ली में पोल्यूशन होता है। लेकिन अब पिक्चर क्लियर हो गई, उन्होंने सारा का सारा जो दोष था वो हरियाणा पंजाब के किसानों के ऊपर डाल दिया था कि हरियाणा पंजाब के किसान ही हैं जिनकी वजह से दिल्ली में पोल्यूशन होता है। लेकिन अब प्रकाश जावड़ेकर ने एक स्टडी के तहत एक स्टडी को कंक्लूड करते हुए क्या कहा कि दिल्ली के पोल्यूशन में सिर्फ 4% कॉन्ट्रीब्यूशन है स्टबल बर्निंग का, जो दिल्ली की हालत है उसमें सिर्फ 4% है स्टबल बर्निंग का, बाकी जो है 96% वो लोकल फैक्टर लाइक बायोमास बर्निंग, गार्बेज डंपिंग, उस सब की वजह से है। तो इसका मतलब आप फार्मर्स को ब्लेम नहीं कर सकते हरियाणा पंजाब के अगर दिल्ली में पोल्यूशन ज्यादा है, तो ये वहां के लोगों की प्रॉब्लम की क्रिएट की हुई प्रॉब्लम की वजह से है, ओके। सो ये चीज याद रखिएगा कि रेड लाइट ऑन गड्डी ऑफ कैंपेन जो है
तो ये भी दिल्ली से रिलेटेड है। तो दिल्ली से रिलेटेड दो हमने पॉल्यूशन से रिलेटेड बातें की, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए फिर हमारे पास नेक्स्ट न्यूज आ जाती है, बाय मंथली एमपीसी, एमपीसी मीटिंग, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग रही इस बार। देखिए आरबीआई क्या करता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करता है, ठीक है, मनी सप्लाई को कंट्रोल में रखने के लिए। सो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का सेंट्रल बैंक, जिसके गवर्नर कौन है, शक्तिकांता दास। सो यहां पर मीटिंग हुई है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर्स की। तो पहला क्वेश्चन, कितने मेंबर हैं, तो याद रखिएगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर हैं, ठीक है। और यहां पर 3 मेंबर होते हैं आरबीआई की साइड से और 3 होते हैं गवर्नमेंट की साइड से, ठीक है। यहां पर एमपीसी में याद रखिएगा एक छोटा सा पॉइंट कि 3 मेंबर जो है वो आरबीआई की तरफ से होते हैं और 3 मेंबर जो है इसमें वो होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से। अब ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाली साइड वाले जो मेंबर्स हैं वो रिप्लेस हुए हैं, तो वो तीनों के नाम मुझे याद होने चाहिए, ठीक है। याद रखिएगा आरबीआई की तरफ से जो मेंबर्स हैं, ठीक है, वो वही के वही रहे, ठीक है, जिसमें शक्तिकांता दास है, ठीक है, और जो हमारे पास चेयरपर्सन है, याद रखिएगा हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ एमपीसी। सो एमपीसी के जो करंट चेयरपर्सन है वो हमेशा आरबीआई गवर्नर होते हैं, ये भी एक क्वेश्चन हमारे पास पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जो हमारे पास आरबीआई के, अगर आपसे पूछ लेगा कि हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ एमपीसी, तो वो शक्तिकांता दास होंगे। अब देखो, अब आपने याद रखना है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से जो मेंबर चेंज हुए, जरा उनके नाम देख लेते हैं। पहले हमारे पास ये रविंद्र ढोलकिया, पम्मी दुआ, चेतन घटे थे। अब इनके नाम अब चेंज हो चुके हैं, तो इनके नाम याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब जो नए मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से आए हैं वो है डॉक्टर आशिमा गोयल, ये इकोनॉमिक एडवाइजर है हमारे पास प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल में, ठीक है। फिर शशांक भिड़े, ठीक है, सीनियर एडवाइजर हैं नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च में। फिर प्रोफेसर जयंत वर्मा, बस आप तीनों के नाम याद रखिएगा और इनकी डेजिग्नेशन वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है। तो आपने याद रखना है कि आशिमा गोयल, शशांक भिड़े और प्रोफेसर जयनाथ वर्मा, ये 3 नए लोग हैं जो एमपीसी से जुड़े हैं, ठीक है, जो एमपीसी से जुड़े हैं, उन तीनों के नाम आप याद रखिएगा। आरबीआई की तरफ से याद रखिएगा एमपीसी के करंट मेंबर कौन कौन है, एक तो है शक्तिकांता दास, गवर्नर हमेशा रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है, गवर्नर जो है हमेशा मेंबर रहेंगे ही रहेंगे। फिर हमारे पास माइकल पात्रा और मृदुल सागर, ठीक है, माइकल पात्रा एंड मृदुल सागर, इन तीनों के नाम भी आप याद रखिएगा। आरबीआई की तरफ से जो मेंबर है शक्तिकांता दास, माइकल पात्रा एंड थर्ड वन मृदुल सागर। सो ये 6 मेंबर हमारे पास हो जाते हैं आरबीआई के, ठीक। ओके चलो, अब मैं आपको से क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या, चलो मैं आपको खुद ही बता देता हूँ कि आरबीआई एक्ट 1934, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किस पावर के तहत आरबीआई जो है मॉनेटरी पॉलिसी को कंक्लूड करता है, अंडर आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है, अंडर आरबीआई एक्ट 1934 आरबीआई गोट पावर टू मेक मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, याद रखिएगा, अंडर आरबीआई एक्ट 1934 आरबीआई गोट पावर टू मेक मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। और ये 6 लोगों के नाम याद रखिएगा, वन इज शक्तिकांता दास, सेकेंड इज माइकल पात्रा, थर्ड वन मृदुल सागर, फोर्थ आशिमा गोयल, शशांक भिड़े एंड प्रोफेसर जयंत वर्मा। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी कार्ड्स अंडर स्वामित्व स्कीम, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्वामित्व स्कीम को एग्जीक्यूट किया है। अब समझिए स्टूडेंट, व्हाट इज द स्कीम, तो स्कीम की पहले तो फुल फॉर्म याद रखेंगे, पेपर में सीधी सीधी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, दैट इज सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। होगा क्या, हम टेक्नोलॉजी का यूज करके गांव की जो जमीनें हैं उनकी मैपिंग करेंगे, हाउसिंग की मैपिंग करेंगे, और फिर यहाँ पर प्रॉपर्टी कार्ड्स दिए जाएंगे, जो भी ओनर है प्रॉपर्टी का उसको कार्ड्स दिए जाएंगे, तो 1 लाख बेनिफिशियरीज को ऐसे कार्ड दिए जा सके। इससे क्या होगा, सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आएगी, जिसके पास भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, गांव में आपको पता है प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट चलता है, ऐसे झगड़ों को, डिस्प्यूट्स को हम कम कर सकेंगे। याद रखिएगा एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि स्वामित्व स्कीम किस मंत्रालय के अंडर चल रही है, कौन से मिनिस्ट्री की तरफ से स्वामित्व स्कीम चल रही है, तो याद रखेंगे द स्कीम इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज मिनिस्ट्री के अंडर हमारे पास ये स्कीम ऑन गोइंग है, जिसके हमारे पास मिनिस्टर है नरेंद्र तोमर। पंचायती राज के मिनिस्टर अभी राइट नाउ कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है। ये चीज भी आप याद रखिएगा, नरेंद्र सिंह तोमर इज द करंट मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज। और ये हमारे पास बलवंत राय मेहता की कमेटी और हमारे पास कई सारी इंपॉर्टेंट कमेटी बनी थी पंचायती राज को लेकर, जैसे एल एम सिंह की कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, जिसकी वजह से पंचायती राज को हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। चलो आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू पंचायती राज, जल्दी से बता दो,
कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो डील करता है पंचायती राज सिस्टम के साथ? नेम द आर्टिकल डील्स विद पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। जल्दी से बता दो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ओके, याद रखेंगे हमारे पास कौन सा आर्टिकल डील करता है पंचायती राज सिस्टम के साथ इंडिया में, दैट इज आर्टिकल 243। ठीक है, डू रिमेंबर आर्टिकल 243। ठीक है, चलिए जी। फिर हमारे पास नेचुपुआ टनल इन अरुणाचल प्रदेश। देखिए हमारे पास ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चाइना का अग्रेशन बढ़ा है। ठीक है, चाइना जो है वो मोर एंड मोर एग्रेसिव होता जा रहा है, तो उसी को काउंटर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी पॉलिसीज को इम्प्रूव करना पड़ेगा। और सबसे पहले तो रोड नेटवर्क अलोंग द बॉर्डर एरियाज, वहां उनको इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। तो BRO बहुत ज्यादा एक्शन में आ गया है। ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अब याद रखना बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ये हिली और बॉर्डर एरियाज के लिए रोड बनाने का काम करती है ये ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ, 1960 में ये ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश हुई थी और इसके करंट डायरेक्टर जनरल है लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। ठीक है, इसके करंट डायरेक्टर जनरल कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा। ये BRO अभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में चल रही है आजकल BRO। ठीक है, चलिए जी। एस्टैब्लिशमेंट ईयर भी याद रखिएगा 1960। तो अभी यहां पर हुआ क्या है कि 44 ब्रिजेस बनाए, 44 ब्रिजेस। ठीक है, और ये सारे के सारे बॉर्डर एरियाज में बनाए गए। तो अल्टीमेटली इससे काफी हद तक एज मिलेगा, हमारे पास सहायता मिलेगी हमारे सोल्जर्स को, हमारे डिफेंस फोर्सेज को। सो मोस्ट ऑफ द ब्रिजेस आर स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इन द एरियाज एंड विल हेल्प द आर्म फोर्सेज, जैसे कि मैंने आपको बताया। और यहां पर आप समझिए स्टूडेंट, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर नेचुपा टनल जो है, अ बाय लेन टनल इन तवांग अरुणाचल प्रदेश, इस टनल को बनाने की बात भी की गई है। तो आने वाले टाइम में ये जो हमारे पास टनल है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि चाइना जो है वो अरुणाचल प्रदेश को अपना पार्ट मानता है। चाइना क्या बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश उसका है। तो अल्टीमेटली अब जब वो ऐसा बोलता है तो उसका मतलब क्या है कि कल को वो अटैक भी कर सकता है। तो इस एरिया का हमारे पास कनेक्शन होना पूरे मेनलैंड इंडिया के साथ बहुत जरूरी है। चलिए आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड। विच पास इन अरुणाचल प्रदेश कनेक्ट विद ल्हासा? विच पास इन अरुणाचल प्रदेश कनेक्ट विद ल्हासा? ल्हासा इज इन तिब्बत। हाँ जी, अरुणाचल प्रदेश को ल्हासा तिब्बत से कनेक्ट करने के लिए कौन सा पास जो है वो यूज किया जाता है? विच पास कनेक्ट अरुणाचल प्रदेश विद ल्हासा? जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। याद रखेंगे स्टूडेंट, दैट इज बोमडिला पास। ठीक है, याद रखें कौन सा पास है? बोमडिला पास। सो बोमडिला पास आपने याद रखना है कौन सी स्टेट में भारत की? बोमडिला पास इन अरुणाचल प्रदेश एंड दैट कनेक्ट अरुणाचल प्रदेश टू ल्हासा। ठीक है, चले जी आगे चलते हैं। एक और न्यूज हमारे पास फिर से वही रोड नेटवर्क को लेकर। देखिए स्टूडेंट समझिए, हमारे पास एक जोजिला टनल जो है वो भी जम्मू कश्मीर में बनाई जा रही है BRO के यहाँ पर इनिशिएटिव के थ्रू। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं एक दो पॉइंट्स बताना चाहूंगा, ये जो टनल है ये क्यों जरूरी थी। एक्चुअली क्या है कि हमारे पास इश्यू क्या रहता है कि जो हमारे पास नेशनल हाईवे वन है तो वहां पर जो जोजिला पास है तो वो 6 महीने के लिए हमारे पास बंद रहता है। ठीक है, सिर्फ जोजिला पास जो है वो सिर्फ 6 महीने के लिए खुल पाता है। आप देखिए ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, आप देखिए कितनी फुट गहरी फुट बर्फ है, तो इस बर्फ को काटा जाता है तो यहाँ पर 6 महीने के लिए रास्ता खुल पाता है। और अगर आपको इस एरिया में अगर जाना हो तो आपको मतलब कि फ्लाइट वगैरह का यूज करना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास एक एरिया है और जिसकी कनेक्शन नहीं है, जिसकी कनेक्टिविटी नहीं है। आपको बता दूं कि एल्टीट्यूड यहाँ पर मोर देन 3528 मीटर का एल्टीट्यूड है, जो बहुत हाइट है। और इस हाइट पे आप समझिए कि जो मूवमेंट है वो करना आसान नहीं होता। तो आप यहाँ पर समझिए कि अल्टीमेटली ये बहुत टाइम से रिक्वायरमेंट थी। और ये जो जोजिला पास है वो श्रीनगर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। और जोजिला का मतलब क्या होता है? माउंटेन पास ऑफ ब्लिजर्ड्स। ठीक है, यहाँ पर बहुत तेज हवाएं चलती हैं। जोजिला का मतलब ही होता है माउंटेन पास ऑफ ब्लिजर्ड्स। ठीक है, सो इसी वजह से लोकल्स इसको जोजिला बोलते हैं। तो यहाँ पर भाई बहुत प्रॉब्लम रहती है हमारे पास। तो फाइनली मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 2018 में ऑल्दो फाउंडेशन स्टोन लेड किया था नरेंद्र मोदी ने कि इस टनल को, इस
जोजिला टनल को बनाया जाए, लेकिन वो क्या था कि आईएलएनएफएस को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, तो आईएलएनएफएस जो है इस कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हट जाती है क्योंकि वो बैंकरप्सी के उस पर रह जाती है। तो ये आईएलएफएस से कॉन्ट्रैक्ट चला गया है, अब कौन सी एंटिटीज को बनाएगी ये भी आपको याद रखना है कि जोजिला टनल को बनाने का काम कौन सी एंटिटी करेगी। तो इसमें आपको याद रखना है प्रोजेक्ट दिया गया है मेघा इंजीनियरिंग को, ठीक है, याद रखिएगा मेघा इंजीनियरिंग जो नाम की एक फर्म है वो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगी, जोजिला टनल को बनाने का काम करेगी, ठीक है। और इसके ऊपर अच्छा खासा खर्चा आएगा, लेकिन अल्टीमेटली फिर से वही बात कि हमें अपने डिफेंस को स्ट्रांग रखना है, तो इसी वजह से इस सब के ऊपर इतना खर्चा कराया जा रहा है। और ये एशिया की लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल होगी जब ये बनकर तैयार हो जाएगी, जो कि होगी 14.15 किलोमीटर, ठीक है। सो आपने याद रखना है जोजिला टनल हमारे पास कहाँ बन रही है, जोजिला टनल बन रही है इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, दैट इज इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू गो डिजिटल इन पब्लिक एजुकेशन। देखिए डिजिटल, आज की डेट में हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, तो केरला जो है वो हमारे पास भारत की पहली ऐसी स्टेट बन गई है जो हमारे पास पब्लिक एजुकेशन, ठीक है, सेक्टर को कंप्लीटली डिजिटल बना चुकी है। देखिए हमारे पास आपको याद रखना है कि केरला स्टार्टिंग से ही बहुत एडवांस रहा है जब भी एजुकेशन की बात होती है, ठीक है। इस सब में हमारे पास काम किया है KIIFB ने, दैट इज केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड। तो याद रखिएगा भारत की पहली हमारे पास पब्लिक एजुकेशन सेक्टर को कंप्लीटली डिजिटल बनाने वाली स्टेट कौन सी है, वो है केरला, ठीक है। केरला के बारे में एक पॉइंट और बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट था, अभी कुछ टाइम पहले हमने स्टडी किया था कि केरला हैव 100% प्राइमरी एजुकेशन, भारत की पहली ऐसी स्टेट जिसके पास 100% प्राइमरी एजुकेशन है, और इसके लिए उन्होंने मिशन चलाया था अतुल्यम। तो याद रखिएगा अतुल्यम मिशन कौन सी स्टेट का मिशन था, सो दैट इज द मिशन ऑफ केरला, जिसके थ्रू उन्होंने प्राइमरी लेवल पर 100% एजुकेशन जो है वो अचीव कर ली थी। एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर और याद रखिएगा, केरला में लिटरेसी को बहुत इंप्रूवमेंट, बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, बहुत ज्यादा उसके ऊपर फोकस किया जाता है, तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे भी याद रख लीजिएगा, इंटरनेशनल लिटरेसी डे ऑब्जर्व किया जाता है 8th of September को, ठीक है, 8th of September को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल लिटरेसी डे, ठीक है। और ओवरऑल इंडिया की लिटरेसी की जब मैं बात करता हूँ कि भारत में लिटरेसी कितनी है, सो अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसके अकॉर्डिंग बताया गया था इंडिया में जो लिटरेसी है दैट इज 77.7% ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अभी भी भारत में बहुत बड़े लेवल पर लिटरेसी हमें इंप्रूव करनी है, लिटरेसी रेट इंप्रूव करना है, ओके। सो इसमें भी ये बताया गया था कि जो लिटरेसी हमारे पास पूरे इंडिया में 77.7 है, उसमें सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कौन सी स्टेट में, तो अगेन केरला, केरला नंबर वन पे था, सेकंड पे आपको बता दूं सेकंड पे था दिल्ली यूनियन टेरिटरीज में, फिर दिल्ली आप देख लीजिए, और थर्ड नंबर पे था हमारे पास उत्तराखंड, ठीक है, थर्ड नंबर पे था हमारे पास उत्तराखंड। तो ये रैंकिंग थी जब अभी हमारे पास लिटरेसी, ओवरऑल लिटरेसी रेट आया था, तो ये कुछ रैंकिंग आप इस तरह से याद रख लीजिएगा। चलिए आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं, अभी भारत में एजुकेशन को सुधारने के लिए आई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, कुछ लोग भूल भी गए होंगे, कुछ लोगों को याद होगा कि अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी रिसेंटली। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करके बता दो कि हु इज द चेयरमैन हु हेल्प इन ड्राफ्टिंग द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिन्होंने पूरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ड्राफ्ट किया है उस कमेटी के चेयरमैन कौन थे, जल्दी से बता दो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, कि जिनकी देखरेख में पूरी नई एजुकेशन पॉलिसी जो है वो बनी है। नेम द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी दैट कंस्टिट्यूटेड द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो स्टूडेंट नाम याद रखिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है, के कस्तूरी रंगन, ठीक है, ये इसरो के पहले हमारे पास हेड रह चुके हैं। सो इनकी देखरेख में पूरी की पूरी नई एजुकेशन पॉलिसी जो है वो बनी है, तो याद रखिएगा इनका नाम के कस्तूरी रंगन, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं, हमारे पास CRI इंडेक्स आया है, तो CRI यानी कि कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है, देखिए भारत में कुछ लोग बहुत अमीर हैं और कुछ लोग बहुत गरीब हैं, ठीक है, इनकम जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, ठीक है। सो इंडिया का जो रैंक रहा है वो रहा है 129, ठीक है, आउट ऑफ 158 कंट्रीज। तो आप देख सकते हैं कि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये रिपोर्ट किसने रिलीज की है, ऑक्सफॉर्म एंड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंटरनेशनल DFI की तरफ से, ठीक है। सो अब यहाँ पर आप एक तो इंडिया का रैंक याद रखेंगे, पेपर पॉइंट से इंडिया का रैंक इंपॉर्टेंट हो जाता है 129, और कंट्री जिसने टॉप किया है, ठीक है, वो है हमारे पास नॉर्वे, पहली कंट्री सबसे जहां पर इनकम इनइक्वालिटी सबसे कम है नॉर्वे, सेकंड पे है डेनमार्क, थर्ड पे है जर्मनी। और आप देखिए यहां पर इन्होंने क्या बताया कि इंडिया ने पेंडेमिक के दौरान, कोविड के दौरान सिर्फ 4% जो है वो हमारे पास
बजट जो है वो हेल्थ के ऊपर खर्च किया तो ये वर्ल्ड में बहुत कम है। इंडिया में हेल्थ के ऊपर खर्चा बहुत कम होता है, लोग बहुत बड़े लेवल पर प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। ऑक्सफॉर्म के बारे में स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि ऑक्सफॉर्म इज अ कन्फेडरेशन ऑफ 20 इंडिपेंडेंट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो ऑक्सफॉर्म है इसके बारे में समझ लीजिए, दैट इज द कॉन्फेडरेशन ऑफ 20 इंडिपेंडेंट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। ऑक्सफॉर्म का हेडक्वार्टर आप याद रख लीजिएगा, ऑक्सफॉर्म का हेडक्वार्टर है नैरोबी कीनिया में, ठीक है। ऑक्सफॉर्म का हेडक्वार्टर है, ऑक्सफॉर्म का हेडक्वार्टर है नैरोबी कीनिया। और इंडिया का रैंक याद रखिएगा, और ये याद रखिएगा नॉर्वे ने इसमें टॉप किया है। चलिए आगे चलते हैं, इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, एक अच्छी खबर इंडिया के लिए फाइनली। देखिए हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, ठीक है। ये हमारे पास क्या करती है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन करती है। अभी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या होती है, मान लीजिए कोई बीच बिल्कुल सेफ है, क्लीन है, और वहां पर जाना एक आपको यूनिक एक्सपीरियंस देगा, तो उन बीचेस को मिलता है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, ठीक है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत की 8 बीचेस को सीधा सीधा वन अटेम्प्ट में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल गई है। तो आपने एक तो याद रखना है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किससे रिलेटेड है, दैट इज रिलेटेड टू बीचेस, ठीक है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किससे रिलेटेड है, बीचेस से रिलेटेड है। जब मैं FEE की बात करता हूँ, ठीक है, यानी कि फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ही ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दी जाती है, जिसको फ्रांस में एस्टेब्लिश किया गया था। याद रखिएगा फ्रांस में इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1985 में, ठीक है। अगर आप किस बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिलती है तो ऑब्वियसली क्या होता है कि हमारे पास वहां पर टूरिज्म बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और यहां पर आप एक फुल फॉर्म और याद रखिएगा, FEE एक टर्म यूज करता है बार बार, बीम्स। बीम्स जो है इसकी फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, दैट इज बीच एनवायरमेंट एंड एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विस, ठीक है। बीम्स की फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये हमारे पास ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से रिलेटेड है। तो फुल फॉर्म है इसकी बीच एनवायरमेंट एंड एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विसेज। तो अभी भारत की जो 8 बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिली है वो देख लेते हैं। वो है शिवराजपुर, हमारे पास ये गुजरात में है, गोगला, कसोरकोड, पुदबिरी, ठीक है, कप्पड़, ऋषिकोंडा, ठीक है, आंध्रा दैट इज गोल्डन बीच, ओडिशा, और राधानगर दैट इज अंडमान निकोबार। तो इन 8 बीचेस को हमारे पास ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिली है। चलिए आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट कमेंट करके बताइए, एशिया की पहली बीच जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिली थी, एशिया फर्स्ट बीच जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दी गई थी FEE के द्वारा, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन के द्वारा। ओके, एशिया की पहली बीच जिसको स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिली थी वो थी हमारे पास कौन सी बीच, दैट इज चंद्रभागा बीच, ठीक है। याद रखिएगा कौन सी बीच थी, चंद्रभागा बीच। और चंद्रभागा बीच कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड है तो आपको अच्छा लगेगा सुनकर, दैट इज इन ओडिशा। सो इसका मतलब एशिया की पहली बीच जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिली थी वो चंद्रभागा बीच थी, अभी कुछ साल पहले की ये बात है। और किसके द्वारा दी गई थी, FEE के द्वारा, जो कि फ्रांस में बनी थी, लेकिन अभी कहां पर बेस्ड है, अभी ये डेनमार्क बेस्ड है, ठीक है। चले जी आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास फ्रेंच ओपन, 124वां फ्रेंच ओपन हमारे पास टूर्नामेंट अभी रिसेंटली हुआ है, यहाँ पर एडिशन हुआ है। और ये किसने जीत लिया है, याद रखिएगा ये जीता है हमारे पास राफेल नडाल ने, ठीक है। राफेल नडाल आपको पता होना चाहिए स्पेन से है, ठीक है, और ये इनका 13th फ्रेंच ओपन टाइटल है। याद रखिएगा ये इनका 13th फ्रेंच ओपन टाइटल है। और यहां पर याद रखिएगा कि इसको रोलेंड गैरोस भी बोलते हैं, ठीक है। फ्रेंच ओपन इज ऑल्सो नोन एज रोलेंड ग्लेस, और ये क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। तो टेनिस में अलग अलग कोर्ट होते हैं, क्ले कोर्ट टेनिस टूर्नामेंट है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों स्टूडेंट, मैं पहले भी अपनी वीडियोज में बता चुका हूँ कि 4 ग्रैंड स्लैम टाइटल होते हैं, ठीक है। टेनिस में हमारे पास 4 ग्रैंड स्लैम टाइटल होते हैं, ठीक है, फ्रेंच ओपन उनमें से एक है। इसके अलावा बाकी कौन कौन से, यूएस ओपन, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, और विंबलडन। याद रखिएगा इन चारों को बोलते हैं हम, लास्ट हमारे पास रह गया फ्रेंच ओपन, इन चारों को हम क्या बोलते हैं, ग्रैंड स्लैम टाइटल, ठीक है। सो इनके बारे में क्वेश्चंस जनरली पूछ लिए जाते हैं अलग अलग एग्जाम्स में। तो अभी राफेल नडाल ने, आपने याद रखना, नोवाक जोकोविक को हराकर, जो कि सर्बिया से हैं, उनको हराकर फ्रेंच ओपन टाइटल जीत लिया है। और वुमेन्स में टाइटल जीता है एगा स्वेटिंग ने, जो पोलैंड से है। तो पहली बार पोलैंड के किसी प्लेयर ने हमारे पास
फ्रेंच ओपन जीता, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। सोफिया कैनिन को डिफीट करके इगा स्वैटिक ने ये टाइटल जीता है। तो इनके नाम याद रखिएगा, ये याद रखिएगा कि जो फ्रेंच ओपन है वो कौन से कोर्ट पर खेला जाता है, क्ले कोर्ट पे। जैसे विंबलडन जो है, विंबलडन आपको याद रखना है ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, घास वाले कोर्ट पे, ठीक है। और हमारे पास अगर फ्रेंच ओपन की बात करूं तो ये हमारे पास किस पे खेला जाता है, क्ले कोर्ट पे। सो डू रिमेंबर दीज पॉइंट, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास 2020 एफएल ग्रैंड प्रिक्स। तो लुइस हैमिल्टन जो कि कौन सी कंट्री से हैं, ब्रिटेन से, उन्होंने हमारे पास 2020 एफएल ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है, जो कि कहां हुई थी, जर्मनी में, ठीक है। और याद रखिएगा ये मर्सिडीज के लिए ड्राइव करते हैं, कौन सी टीम के लिए ड्राइव करते हैं, इनकी टीम का नाम याद रखिएगा मर्सिडीज। राइट नाउ लुइस हैमिल्टन बहुत ही फेमस फॉर्मूला वन F1 ड्राइवर बन चुके हैं। तो फॉर्मूला वन रेसिंग की बात हो रही है यहां पर, आप ये देख सकते हैं फॉर्मूला वन रेसिंग गोइंग ऑन है, ठीक है। सो ऑल टाइम इन्होंने रिकॉर्ड हमारे पास इक्वल कर लिया माइकल शुमाकर का। इससे पहले वर्ल्ड के जो सबसे बड़े फॉर्मूला वन रेसर रहे हैं वो है माइकल शुमाकर, ठीक है। उनके 91 ग्रैंड प्रिक्स विक्ट्रीज का रिकॉर्ड जो है वो इक्वल कर लिया है किसने, लुइस हैमिल्टन ने, ठीक है। चलिए आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं, माइकल शुमाकर जो है उनका एक्सीडेंट हुआ था, वो कोमा में चले गए थे। माइकल शुमाकर अब तक की हिस्ट्री के सबसे बड़े फॉर्मूला वन रेसर रहे हैं, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? हाँ जी, माइकल शुमाकर इज फ्रॉम विच कंट्री, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। माइकल शुमाकर कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? ओके, याद रखिएगा फ्रेंड, माइकल शुमाकर इज फ्रॉम जर्मनी, ठीक है। माइकल शुमाकर इज फ्रॉम जर्मनी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एंड टू एंड एनक्रिप्टेड चैट्स फॉर 5i अलायंस। अब ये 5i अलायंस क्या है, पहले तो आप याद रखेगा कि 5i यानी कि पांच कंट्रीज की यहां पे बात हो रही है, USA, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। याद रखिएगा इन पांच कंट्रीज ने एक हमारे पास नेटवर्क एस्टेब्लिश किया हुआ है इंटेलिजेंस गेन करने के लिए, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए। इनका एक अपना ही ग्रुप है जिसको वर्ल्ड वॉर टू के बाद एस्टेब्लिश किया गया था। आप इसमें एक एग्रीमेंट याद रखिएगा, इनका एक एग्रीमेंट हुआ था ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर, ये वर्ल्ड वॉर के दौरान ही हो गया था, दैट इज ब्रूसा, ठीक है। सो दैट इज याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, ब्रूसा एग्रीमेंट हमारे पास था, ठीक है। दैट इज US और ब्रिटेन, ब्रिटेन US एग्रीमेंट 1943 में एग्रीमेंट हुआ था, और आगे चलकर इसी के तहत हमारे पास ये 5i अलायंस जो हमें देखने को मिला। और अभी ये बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है जब से हमारे पास कोविड आया है, क्योंकि आपने सुना होगा कि ये जो पांचों कंट्रीज हैं वो चाइना के ऊपर क्लोजली नजर रखे हुए हैं और चाइना की हर मूव को यहां पर चेक कर रहे हैं। तो यहां पर इन्होंने क्या कहा है कि इन्हें एंड टू एंड इनक्रिप्टेड जो है वो, मतलब कि जो भी आपस में बात करते हैं उसके बारे में किसी को पता ना चले, एक मैकेनिज्म चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने कई सारी कंपनीज को कॉन्टैक्ट किया है, बिग टेक कंपनीज को। लेकिन मुझे पेपर पॉइंट से क्या चीजें पता होनी चाहिए, पहला क्वेश्चन तो मुझे ये पता होना चाहिए कि ब्रूसा जो है वो किससे रिलेटेड है, 5i से रिलेटेड है। 5i में कितने हमारे पास कौन कौन सी कंट्रीज आती है 5i में, तो वो है हमारे पास USA, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। और यहां पर एक चीज और याद रखिएगा कि हमारे पास ये कंट्रीज जो है पर्टिकुलर एक एक एरिया को मॉनिटर करके इंफॉर्मेशन जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर करती हैं, ठीक है। चलिए आपको आपको यहाँ पर ये भी याद रखना है, चलो मैं आपसे ही क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए कि MI6 जो है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, MI6 जो है वो एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, तो इनमें से किस कंट्री की वो एक इंटेलिजेंस एजेंसी है इन पांचों में से, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए कि MI6 जो है फेमस इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ विच कंट्री। ओके, याद रखिएगा MI6 इज द फेमस इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ UK, ठीक है। ये बहुत ही फेमस इंटेलिजेंस एजेंसी है UK की। ओके, नेक्स्ट हमारे पास सैटेलाइट कनेक्टिविटी टू 5000 रिमोट ग्राम पंचायत। अब स्टूडेंट ये बात याद रखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट है हमारे पास जिसमें गवर्नमेंट क्या कह रही है कि जितने भी हमारे पास गांव है उनमें हाई स्पीड इंटरनेट के लिए हम अब सैटेलाइट कनेक्टिविटी का यूज करेंगे। तो इसके लिए ह्यूक्स कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, ठीक है। याद रखिएगा हमारे पास किसको कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, ह्यूक्स कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, और ये हमारे पास सब्सिडरी है एक ह्यूक्स नेटवर्क LLC की,
ओके सो यहां पर इसको सिलेक्ट किया है भारत ब्रॉडबैंड निगम लिमिटेड ने। आपको स्टूडेंट ये सब पता होना चाहिए कि ये सब हो क्यों रहा है, एक्चुअली हम ये सब कर क्यों रहे हैं, तो आप समझिएगा स्टूडेंट। पूरी की पूरी मैं स्टोरी आपको बता देता हूँ। गवर्नमेंट ने कुछ टाइम पहले एक प्रोजेक्ट शुरू किया, दैट इज भारत नेट प्रोजेक्ट। अब ये भारत नेट प्रोजेक्ट क्यों शुरू किया गया, देखो ध्यान से सुनना। भारत नेट प्रोजेक्ट का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था कि जो रूरल हाउस होल्ड है, जो गांव है, 2015 में प्रोजेक्ट आया, उनको हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी दी जाए, ठीक है, उनको हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी दी जाए रूरल हाउस होल्ड को, ठीक है। सो भारत नेट प्रोजेक्ट को भारत में शुरू किया गया और 2.5 लाख ग्राम पंचायत को इससे जोड़ने की बात की गई। याद रखिएगा 2.5 लाख जो विलेजेस हैं उसमें हाई स्पीड इंटरनेट देने की बात की गई स्कीम के तहत। तो अभी भी क्या था कि वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व नहीं हो पा रही थी। हमने क्यों हमने हाई स्पीड इंटरनेट देना है, ताकि जो वहां के लोग हैं वो इस सब चीजों का फायदा उठा सकें, हाई स्पीड इंटरनेट का, और उससे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हमारे पास ई संजीवनी सीडेक मोहाली ने डेवलप किया था। ई संजीवनी क्या है, अगर आपने सुना हो, हमारे पास भी कुछ टाइम पहले ई संजीवनी नाम का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें जो गांव के लोग हैं वो घर बैठे ही इंटरनेट के थ्रू क्या कर सकते हैं, डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम चल रही है ई संजीवनी के नाम से, ठीक है। तमिलनाडु और आंध्रा के लोगों ने बहुत फायदा उठाया, नॉर्थ के लोगों ने फायदा नहीं उठाया। एक तो नॉर्थ के लोगों को नॉलेज कम है यहाँ पर इस स्कीम को लेकर, और दूसरा हाई स्पीड इंटरनेट की भी कमी है गाँव में। तो यहां पर आप समझिए कि गवर्नमेंट ऐसी स्कीमों फिर इस तरह से क्या कर सकता है, काफी चीजों का बेनिफिट जो है गांव के लोगों को मिल सकता है। तो इसीलिए भारत नेट प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है, याद रखना, ठीक है। अब यहां पर हाई स्पीड इंटरनेट, टू प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरनेट सैटेलाइट कनेक्टिविटी ऑफ 5000 रिमोट ग्राम पंचायत एंड 15 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, नक्सल अफेक्टेड एरियाज, इन सब में हमारे पास ये जो सैटेलाइट सिस्टम है वो काम करेगा, ठीक है। एंड अब यहां पर याद रखिएगा, इसरो की कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का इस सब में यूज किया जाएगा, जी सेट 19 एंड जी सेट 11 का इसमें यूज किया जाएगा, ये चीज आप याद रखेंगे। चलो आपको मैं एक और चीज स्टूडेंट यहां पर बताना चाहूंगा, चलो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए एक प्रोजेक्ट चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट क्यूपियर। हमारे पास एक प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है, प्रोजेक्ट क्यूपियर। आप ये बताओ किस कंपनी का प्रोजेक्ट है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, प्रोजेक्ट क्यूपियर किस कंपनी का एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट क्यूपियर किस कंपनी का एक प्रोजेक्ट है, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, याद रखिएगा ये प्रोजेक्ट है अमेज़न का, ठीक है, जिसके हमारे पास हेड है जेफ बेजोस। तो अमेज़न पेरेंट कंपनी है बेसिकली। सो यहां पर आप ये समझिए ब्लू होराइजन नाम की इनकी स्पेस कंपनी भी है। तो ये जो जेफ बेजोस का एक प्रोजेक्ट है कि जिसमें वो कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में वो हमारे पास हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे थ्रू सैटेलाइट पूरे वर्ल्ड में फ्री ऑफ कॉस्ट, तो प्रोजेक्ट कूपियर जो है वो कहीं ना कहीं रिलेटेड है, आप याद रखेंगे, अमेज़न से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। देखो हमारे पास एक एजेंसी है यूनाइटेड नेशन, पहले तो आप इस एजेंसी का नाम याद रखेंगे, यूनाइटेड नेशन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, UNDRR, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डिजास्टर रिस्क ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जो कि हमारे पास एस्टैब्लिश कब हुई थी, 1999 में, ठीक है। द एजेंसी एस्टैब्लिश इन द ईयर 1999 एंड द हेडक्वार्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर एजेंसी इज जिनीवा। पहले तो ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे। इसका काम है पूरे वर्ल्ड में प्लान्स बनाना, ताकि जो डिजास्टर, जो हमारे पास नेचुरल जो क्लाइमेटीज आती हैं, आपदा आती हैं, उनके इंपैक्ट को, उनके असर को कम किया जा सके। सो अल्टीमेटली जो एजेंसी है ये उसी के लिए काम करती है। तो अभी हमने 13 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो थीम याद रखेंगे, इट्स All about governance, ठीक है, it's all about governance। और यहां पर एक बार बार बात की जा रही है Sendai framework की। तो याद रखिएगा Sendai framework जो है, Sendai में एक meeting होती है और यहां पर कुछ rules बनाने की बात की जाती है, ताकि जो impact है disaster को कम किया जा सके। तो Sendai framework is related towards, Sendai framework is related to disaster risk reduction, Sendai framework is related to disaster risk reduction। चलो आपसे मैं question पूछ लेता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा कि सेंडाई जो है वो कौन सी कंट्री का एक सिटी है। हाँ जी, सेंडाई इज लोकेटेड इन विच कंट्री, जल्दी से बता दो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके।
ओके स्टूडेंट, याद रखिएगा सेंडाई इज इन जापान, ठीक है। सेंडाई जापान में है, जो डिजास्टर से काफी ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था, ठीक है। तो वहां पर मीटिंग हुई थी और दैट इज नोन टू बी सेंडाई फ्रेमवर्क ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ₹100 कॉइन टू ऑनर राजमाता विजयश्री सिंधिया, ठीक है। हमारे पास बीजेपी की एक फॉर्मर लीडर थी विजय राजे सिंधिया, तो उनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी पर यहाँ पर ₹100 का एक कॉइन लॉन्च किया, कॉमेमोरेटिव कॉइन यानी यादगार सिक्का, ठीक है। सो याद रखिएगा ये हमारे पास बीजेपी पार्टी से थी और हमारे पास ग्वालियर से बिलोंग करती थी, ठीक है। और इनको इनकी ऑटोबायोग्राफी भी इन्होंने खुद लिखी थी, दैट इज द लास्ट महारानी ऑफ ग्वालियर। तो ये भी आप याद रखिएगा, फेमस इंडिया फैमिली से बिलोंग करती हैं, ठीक है। अभी आपको पता होगा हमारे पास जो हमारे पास फेमस मिनिस्टर हैं, ठीक है, माधवराव सिंधिया, और जो हमारे पास अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, वो भी इन्हीं की फैमिली से बिलोंग करते हैं। ज्योतिराव आदित्य सिंधिया ने अभी आपको पता होगा बीजेपी पार्टी को रिसेंटली ज्वाइन किया था, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जो सिक्के बनाने का काम होता है, कॉइन्स की मिंटिंग का काम होता है, सबको याद रखना है, भारत में जो भी सिक्के बनाने का काम होता है, कॉइन्स मिंटिंग का काम, वो कौन करती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। कॉइन्स मिंटिंग का काम कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो कहाँ कहाँ कॉइन्स की मिंटिंग होती है? कोलकाता, ठीक है, याद रखिएगा। कॉइन्स की मिंटिंग भारत में चार जगह होती है, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई एंड नोएडा, ठीक है। इन चार जगहों पर हमारे पास सिक्कों की मिंटिंग होती है और ये दैट इज टू बी डन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। चलो आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, भारत में जो कॉइन्स की मिंटिंग होती है वो कौन से एक्ट के अंडर होती है? अंडर विच एक्ट? कॉइन्स मिंटेड इन इंडिया अंडर विच एक्ट? जो सिक्कों को बनाने का काम होता है वो गवर्नमेंट कौन से एक्ट के तहत करती है? जल्दी से बता दो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। हाँ याद रखना स्टूडेंट, भारत में जो कॉइन्स की मिंटेज होती है वो दैट इज अंडर द कॉइनेज एक्ट ऑफ 1906, ठीक है। इस एक्ट के तहत भारत में सिक्कों को मिंट किया जाता है, हमारे पास बनाया जाता है, ठीक है, चार जगहों पर, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई एंड नोएडा। और यहां पर याद रखना विजय राजे सिंधिया की जो ऑटोबायोग्राफी है वो है द लास्ट महारानी ऑफ ग्वालियर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स, तो भाई पासपोर्ट इंडेक्स आया, आर्टन कैपिटल का पासपोर्ट इंडेक्स आया है, जिसमें इन्होंने न्यूजीलैंड को हमारे पास फर्स्ट प्लेस पे रखा है, ठीक है। उसके बाद जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, इन सबको सेकंड नंबर पे रखा है, ठीक है। ये सॉरी इन सबको, माई अपोलॉजीज, इसमें थोड़ा सा मैं क्लियर बता देता हूँ, यहाँ पर इन कंट्रीज को उन्होंने फर्स्ट नंबर पे रखा है, जिसमें न्यूजीलैंड है, जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, लग्जमबर्ग है, आयरलैंड, जापान, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को सेकंड नंबर पे रखा है, ठीक है। बस इसमें सीधा सीधा आपको ये याद रखना है कि बस टॉप पोजीशन पे कौन कौन सी कंट्रीज हमारे पास लाई करती हैं, ठीक है। और इंडिया का जो रैंक रहा है वो रहा है 58th, ठीक है। बस इंडिया का रैंक याद रखना और फर्स्ट रैंक याद रखना, फर्स्ट रैंक कौन कौन सी कंट्रीज का रहा, दैट इज न्यूजीलैंड, हमारे पास न्यूजीलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड एंड जापान, ठीक है। तो डू रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। नेक्स्ट हमारे पास राजीव गौबा, ठीक है, राजीव गौबा टू स्ट्रीमलाइन द टेलीकॉम स्पेक्ट्रम एलोकेशन। अब आप समझिए स्टूडेंट, बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, हमारे पास, कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्पेक्ट्रम एलोकेशन करने जा रही है। हमारे पास 5G के स्पेक्ट्रम एलोकेशन होंगे अभी रिसेंट टाइमिंग में, 5G को लेकर काम होगा, तो पैनल बनाया गया है सेक्रेटरीज का और राजीव गौबा इसको यहाँ पर काम करेंगे टू स्ट्रीमलाइन द स्पेक्ट्रम एलोकेशन प्रोसेस। कि भारत में जो स्पेक्ट्रम की एलोकेशन होती है, हम वेरियस वेरियस कंपनीज को स्पेक्ट्रम देते हैं, तो वो उसको और अच्छे से प्रोसेस को और सिंप्लीफाई कैसे किया जा सके, क्योंकि आपको पता होगा कि 2G स्पेक्ट्रम एलोकेशन में बहुत बड़े लेवल पर करप्शन हुई थी और उसको लेकर फिर बहुत बड़े लेवल पर केस फाइल हुआ था। आपको बता दूं स्टूडेंट, हमारे पास अगर हम बात करें फर्स्ट जनरेशन की, ठीक है, तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट 1980s में हमारे पास ये देखने को मिला था, ठीक है, जब हम सिर्फ एनालॉग कम्युनिकेशन के थ्रू बात कर पाते थे। फिर 2G हमारे पास आया 1990s के ऑलमोस्ट 90s के दशक में, हमारे पास 2G हमें देखने को मिल गया। फिर 3G की अगर हम बात करें तो 3G हमारे पास 2000 के लगभग, ठीक है, इन द ईयर 2000 जो है 3G हमारे पास इंडिया में दस्तक दे चुका था। 4G की बात करें तो
तो 4G हमारे पास याद रखना 2009 में इंडिया में आया है, ठीक है। 4G पहली बार 2009 में देखने को मिला है और 5G के ऊपर अभी काम चल रहा है हमारे यहाँ, ठीक है। सो एक चीज याद रखना, आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हमारे पास 5G नेटवर्क इन इंडिया विल वर्क ऑन विच फ्रिक्वेंसी बैंड। हाँ जी, 5G नेटवर्क इन इंडिया विल गोइंग टू बी वर्क ऑन विच फ्रिक्वेंसी बैंड। ओके, याद रखिएगा स्टूडेंट, 3500 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेक्ट्रम एलोकेशंस होती हैं, फ्रीक्वेंसी एलोकेट होती है। तो याद रखिएगा, हमारे पास अभी राजीव गोबा सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, इनको अपॉइंट किया गया है सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने के लिए। आपको मैं एक और बता दूं स्टूडेंट, इंटरनेट से रिलेटेड और कनेक्शन से रिलेटेड बात, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा। एयरटेल ने अभी क्या किया है, एयरटेल ने हमारे पास एक बहुत ही बड़ी कंपनी वन वेब, ठीक है, याद रखिएगा, वन वेब के अंदर हमारे पास क्या किया है, एक बहुत बड़ी डील साइन की है, ठीक है। और इसमें 45% स्टेक जो है एक्वायर कर लिया, ठीक है। एयरटेल एक्वायर 45% शेयर इन यूके वन वेब। ये वन वेब क्या कम करने वाली है, वन वेब पूरे वर्ल्ड में फ्री इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने वाली है थ्रू नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट्स, ठीक है। तो याद रखिएगा, वन वेब यूके की कंपनी है जिसके अंदर अभी रिसेंटली क्या हुआ है, एयरटेल ने 45% शेयर खरीद लिए, यानी कि ऑलमोस्ट एयरटेल मेजोरिटी शेयर होल्डर बन गई है वन वेब के अंदर। और हो सकता है कि ये क्या करें, पूरे वर्ल्ड में एक नई क्रांति लेकर आ जाए, क्योंकि हो सकता है कि अगर इनका ये जो सिस्टम है कामयाब हो गया तो हो सकता है कि पूरे इंडिया में गांव गांव तक हाई स्पीड इंटरनेट ये प्रोवाइड कर सकें। हाँ जी, भारत के हर एक कोने तक, दूर दराज इलाके तक। और इनको फिर टावर्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, अभी तो क्या है कि आपको टावर की रिक्वायरमेंट होती है, ये चाह रहे हैं कि सैटेलाइट के थ्रू पूरे विश्व में, इंडिया ही नहीं पूरे विश्व में हमारे पास वन वेब का प्लान है कि फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट प्रोवाइड किया जाए। तो एयरटेल उसके अंदर 45% हिस्सेदारी रिसेंटली खरीद चुकी है, याद रखिएगा, जिसके लिए उसने $500 मिलियन का खर्चा किया। तो ये भी न्यूज याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड, ठीक है। सो एयरटेल परचेज 45% स्टेक इन वन वेब बाय स्पेंडिंग $500 मिलियन। नेक्स्ट हमारे पास, नासा टू लॉन्च नैनो सैटेलाइट इंडिया सेट। अब यहां पर समझिए स्टूडेंट, एक्चुअली क्या है कि हमारे पास इंडिया सेट नाम से एक सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है नासा। नासा आपको पता ही है, नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये यूएसए की एक स्पेस कंपनी है। तो उन्होंने कंपटीशन रखा था, ठीक है, जिसमें हमारे पास एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट को डेवलप करने का, जिसमें इंडिया के 3 स्टूडेंट्स ने इस कंपटीशन को जीत लिया है और उनका इंडिया सेट नाम का जो सैटेलाइट है वो जल्दी ही ये लॉन्च कर देंगे, ठीक है। तो इसको बस एक बार पढ़ लीजिएगा कि सैटेलाइट का नाम क्या है और इन 3 स्टूडेंट्स के नाम आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ ज्यादा कुछ टिपिकल सिस्टम क्वेश्चन आने की चांसेस नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास थैलेसीमिया बाल सेवा योजना। अब हमारे पास डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि हमारे पास यूनियन मिनिस्टर फैमिली एंड हेल्थ फेयर के, तो उन्होंने क्या कहा है कि थैलेसीमिया से जो लोग पीड़ित होते हैं स्पेशली, तो और वो इलाज नहीं करा पाते, तो उनको हेल्प करने के लिए सेकंड फेज लॉन्च किया गया है थैलेसीमिया बाल सेवा योजना का। इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, मतलब पैसा प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती है, ठीक है, उन लोगों को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती है जो अपना इलाज वगैरह नहीं करा पाएंगे। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के लिए यहाँ पर पेशेंट जो है एलिजिबल होते हैं। आप याद रखिएगा स्टूडेंट, थैलेसीमिया जो है, थैलेसीमिया के मेनली 2 टाइप्स होते हैं, वैसे तो कई सारे, लेकिन मेन 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है, मेन 2 टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया, दैट इज अल्फा एंड बीटा, ठीक है, अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ओके, यहाँ पर थैलेसीमिया को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें, जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर, ये जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है कि बॉडी हैज लेस हीमोग्लोबिन देन द नॉर्मल, क्योंकि हमारे पास जो ब्लड है वो हीमोग्लोबिन को कैरी ही नहीं कर, मतलब सॉरी ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता, तो उसकी वजह से क्या होता है कि लेस हीमोग्लोबिन होता है देन द नॉर्मल, और पर्सन जो है वो वीक होता चला जाता है। चलिए आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, ब्लड की बात हुई तो आप मुझे सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड व्हाट। हाँ जी, स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड व्हाट, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, ब्लड की स्टडी को क्या कहा जाता है।
याद रखेगा स्टूडेंट, द स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड, याद रखेगा, दैट इज हेमेटोलॉजी. द स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास. India approved US $1 million to UNRWA. So what is UNRWA? So that is United Nations Relief and Work Agency in Near East. तो basically ये agency जो है Palestine refugees की help करने के लिए बनी हुई एक agency है जो Palestine के लोगों की help करती है. आपको बताना चाहिए कि Palestine और Israel में conflict ongoing है. Actually Israel जो country बना था वो Palestine की बहुत बड़ी land को acquire करके बना था. So, यहाँ पर जो फलस्तीन के लोग हैं उनकी लाइफ अब मिजरेबल बन चुकी है, तो उनकी हेल्प करने के लिए पूरे विश्व से फंड चैनलाइज होता है. ठीक है, और उस फंड्स को हमारे पास आगे कंट्री की हेल्प करने के लिए यूज करता है UNRWA. ठीक है, चलिए आपको थोड़ा सा बेसिकली पता होना चाहिए कि एज अ पार्ट ऑफ लिंक वेस्ट पॉलिसी, इंडिया की जो लिंक वेस्ट पॉलिसी है, वो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बता रहा हूँ. इंडिया हैज डीहाइफनेटेड इट्स रिलेशनशिप विद इसराइल एंड फलस्तीन इन 2018 टू ट्रीट बोथ द कंट्रीज म्यूचुअली इंडिपेंडेंट एंड एक्सक्लूसिव. ये जो टर्म यूज की गई है ये टर्म बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है. आपको पता होना चाहिए कि इंडिया क्या क्या बोलता है. इंडिया इसराइल के लिए अलग सेंटीमेंट रखता है और फलस्तीन के लिए अलग सेंटीमेंट रखता है. हम ऐसा नहीं है कि इसराइल के लिए फलस्तीन के लोगों को भूल जाएंगे और फलस्तीन के लिए इसराइल के साथ अपने रिलेशन तोड़ देंगे. हम दोनों को अलग अलग लेवल पर इंपॉर्टेंस देंगे, दोनों के साथ अलग अलग लेवल के रिलेशन बिल्डअप करेंगे, इंडिया का ये मानना है. जैसे टेक द एग्जाम्पल, जैसे यूएसए है तो यूएसए के इंडिया के साथ भी रिलेशन है. ठीक है, यूएसए इंडिया के साथ भी रिलेशन रखता है और साथ के साथ पाकिस्तान के साथ भी रिलेशन रखता है. ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ या तो इंडिया का सपोर्ट करता है या पाकिस्तान का, तो वो दोनों के साथ साइमल्टेनियसली रिलेशनशिप बिल्ड करता है. तो इसको बोलते हैं डीहाइफनेटेड. ठीक है, चलिए आपको मैं थोड़ा सा फलस्तीन के बारे में कुछ चीजें बता देता हूँ जो आपको पता होनी चाहिए. फलस्तीन वैसे तो अपनी जो कैपिटल है वो किसको क्लेम करता है, जेरूसलम को, लेकिन जेरूसलम का तो कंट्रोल इसराइल के पास है. तो यहां पर याद रखिएगा कि जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है, जहां से सारा कुछ एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है फलस्तीन का, वो है रामला. ठीक है, तो पेपर में अगर क्वेश्चन आ गया कि रामला इज अ मेजर सिटी ऑफ विच कंट्री, तो गलत मत कर देना, रामला इज अ मेजर सिटी ऑफ फलस्तीन. ठीक है, और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है फलस्तीन के राइट नाउ, तो उनका नाम भी याद रखेगा, दैट इज महमूद अब्बास. ठीक है, महमूद अब्बास जो है वो प्रेसिडेंट है राइट नाउ फलस्तीन के. ठीक है, सो ये सारे पॉइंट्स जो है आपको याद रखने पड़ेंगे. और ये याद रखिएगा कि डीहाइफनेटेड का मतलब क्या होता है, कि दोनों को हम एक तरह से कंट्रीज को म्यूचुअली इंडिपेंडेंट और एक्सक्लूसिवली ट्रीट करेंगे. ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया रिपोर्ट. सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, कि जो आपने कोई दिमाग से अपने कुछ चीजों को क्रिएट किया है वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मानी जाएंगी. ठीक है, सो उसके ऊपर एनुअल रिपोर्ट आई है 2018-19, और क्या कहा गया है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो मोहाली हमारे पास एरिया में लाई करती है, वो हमारे पास लीडिंग स्टैंड अलोन यूनिवर्सिटी बन गई इंडिया में विद 336 पेटेंट्स के लिए उन्होंने अप्लाई किया, हाईएस्ट नंबर ऑफ पेटेंट्स इन अ ईयर. अगर हम बात करें टॉप थ्री एकेडमिक यूनिवर्सिटीज की, सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT, जो भारत की सभी IITs हैं उनके मिलाकर 557 पेटेंट्स हैं. याद रखिएगा ये सारी IITs को मिलाकर है, लेकिन अकेली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पंजाब के 336 पेटेंट्स है. और फिर हमारे पास शिलोनी यूनिवर्सिटी है हिमाचल प्रदेश जिसके 185 पेटेंट्स है. तो अगर टेक्निकली इंडिविजुअली देखा जाए तो ये इसका रैंक फर्स्ट बनता है, लेकिन अगर आप IITs को कलेक्टिवली देखेंगे तो रैंक सेकंड बनता है. तो आपने वैसे याद रखना है कि इंडिविजुअली इट्स रैंक फर्स्ट. यूनिवर्सिटीज की बात करें तो आपने याद रखना है कि यूनिवर्सिटीज को हमारे पास कंट्रोल करने के लिए UGC काम करता है. ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन. ठीक है, 1953 में एस्टेब्लिश हुआ था और इसके करंट चेयरमैन है DP सिंह. याद रखिएगा इसके करंट चेयरमैन कौन है, DP सिंह. ओके, सो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, आपने ये चीज याद रखनी. चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास सरल जीवन बीमा योजना, IRDAI, यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो भारत में लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस का रेगुलेटर है, उसने क्या कहा है कि सरल जीवन बीमा जो हमारे पास पॉलिसी है उसको मैंडेटरी किया जाएगा. ठीक है, मैंडेटरी ऑफर्ड बाय ऑल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी स्कीम को लेकर आएंगी. ठीक है, 2021 से. तो इस स्कीम के बारे में जब मैं स्टूडेंट बात करता हूँ तो आपने याद रखना है कि हमारे पास इस स्कीम के तहत क्या होगा कि इंश्योरेंस एक प्रोवाइड किया जाएगा, इंश्योरेंस स्कीम प्रोवाइड की जाएगी जितनी भी भारत में लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके द्वारा. इसमें क्या होगा कि पर्सन की अगर डेथ हो जाती है तो उसको हमारे पास उसकी फैमिली को यहाँ पर एक लमसम अमाउंट पे की जाएगी. तो इस प्लान को फॉर्मुलेट करने के लिए कहा गया ताकि इंश्योरेंस सेक्टर को भारत में और ज़्यादा इंप्रूव किया जा सके. ठीक है,
तो आपने याद रखना है हमारे पास कि इरेडाई जो है वो इंडिया में इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर है, जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है और जिसके करंट चेयरमैन कौन है, सुभाष चंद्र खुंटिया। ठीक है, चेयरमैन का नाम याद रखेंगे सुभाष चंद्र खुंटिया। सो ये पॉइंट्स जो है याद रखेंगे। चलो आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, इंश्योरेंस की बात हो रही है तो अंडर विच एक्ट इंश्योरेंस इज डिफाइंड इन इंडिया। हाँ जी, अंडर विच एक्ट इंश्योरेंस डिफाइंड इन इंडिया, जल्दी से बताओ। अंडर विच एक्ट इंश्योरेंस डिफाइंड इन इंडिया, याद रखिएगा इंश्योरेंस इज डिफाइंड इन इंडिया अंडर इंश्योरेंस एक्ट 1938। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए जी आगे चलते हैं। वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे ऑब्जर्व किया गया हमारे पास हमारे बिलव्ड फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की याद में। तो हर साल हमारे पास 15 अक्टूबर को हमारे फेवरेट प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की याद में हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड स्टूडेंट डे। तो आपको पता होना चाहिए इस बार जो थीम रही, लर्निंग फॉर पीपल प्लैनेट प्रोस्पेरिटी एंड पीस। तो ये याद रखिएगा, लर्निंग फॉर पीपल प्लैनेट प्रोस्पेरिटी एंड पीस। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो जन्म है वो रामेश्वरम में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म जो है वो रामेश्वरम में हुआ था, ये आप याद रखिएगा। और इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो इन्हीं के बर्थडे पर हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड स्टूडेंट डे। चलो आपसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत सिंपल। आप मुझे स्टूडेंट इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम बता दीजिए जल्दी से। हाँ जी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हाँ जी, ओके याद रखिएगा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, विंग्स ऑफ फायर। चलिए जी नेक्स्ट हमारे पास, म्यांमार टू गेट इट्स फर्स्ट सबमरीन INS सिंधु वीर। देखिए हम यहाँ पर अपनी नेबरिंग कंट्री म्यांमार की हेल्प करने के लिए INS यानी इंडियन नेवल शिप, सो INS सिंधु वीर जो है उनको हैंडओवर कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ये छोटा सा पॉइंट जो है आपको याद रखना है। चलिए जी, और ये हमारे पास किसके तहत हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सागर प्रोग्राम। भारत का एक सागर प्रोग्राम चल रहा है जिसके तहत हम क्या कर रहे हैं, अपनी नेबरिंग कंट्रीज की हेल्प कर रहे हैं। तो यहां पर आप याद रखिएगा कि फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, दैट इज सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो इंडिया अपनी नेबरिंग कंट्रीज स्पेशली आइलैंड कंट्रीज की हेल्प कर रहा है, तो ये सब किस किसके तहत हो रहा है, अंडर द ऑपरेशन सागर। तो ये छोटा सा पॉइंट जो है आप याद रखेंगे। म्यांमार की कैपिटल है, याद रखेंगे म्यांमार की कैपिटल है नाइपिडू। ठीक है, म्यांमार की कैपिटल है नाइपिडू, इसको फॉर्मली बर्मा के नाम से जाना जाता था, इसका ओल्ड नेम था बर्मा, ये तो आपको खैर पता ही होगा, इसका ओल्ड नेम क्या था हमारे पास, बर्मा। और इसके प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट है यहाँ पर विन मिंट। ठीक है, प्रेसिडेंट का नाम भी याद रखेंगे, प्रेसिडेंट कौन है, विन मिंट। ठीक है, इज द करंट प्रेसिडेंट। और स्टेट काउंसलर है आंग सान सू की। ठीक है, जिनके ऊपर बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सी हमारे पास काफी टाइम से रही है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर स्टूडेंट बात करें तो लगे हाथ आप ये भी याद रख लीजिएगा कि इनकी करेंसी क्या है, करेंसी जो है इनकी, जो म्यांमार में करेंसी, कैपिटल तो नाइपिडू, करेंसी है इनकी कयाट। ठीक है, करेंसी भी आप इनकी याद रखिएगा, जो करेंसी है यूज करते हैं, करेंसी है कयाट। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट। इंडियन बैंक साइंड MOU विद, ओके नेक्स्ट याद रखिएगा, इंडियन बैंक साइंड MOU विद मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, सो दैट इज यहां पर इन्होंने क्या किया, स्मॉल इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियल स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और हमारे पास MOHU के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत ये क्या करेंगे, लोन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे किसको, जो स्ट्रीट वेंडर्स है। तो आपको पता होना चाहिए स्ट्रीट वेंडर्स की हेल्प करने के लिए स्कीम ऑन गोइंग है, दैट इज प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम, दैट इज PM स्वनिधि स्कीम। तो इंडियन बैंक के बारे में कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए कि इंडियन बैंक के अंदर अभी रिसेंटली मर्जर हुआ था किसका, अभी कौन से बैंक का मर्जर हुआ था इंडियन बैंक में स्टूडेंट। हाँ जी, वो है हमारे पास अलाहाबाद बैंक। ठीक है, इंडियन बैंक में रिसेंटली अलाहाबाद बैंक का मर्जर हुआ था, पहले तो आपको ये याद रखना चाहिए। और ये इंडियन बैंक जो है ये हमारे पास अभी राइट नाउ इंडिया के एक लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स में से एक इसको आप मान सकते हैं। तो 1907 में एस्टैब्लिश हुआ था, 1907 में, बहुत ही पुराने टाइम से इंडिया के लिए काम कर रहा है। इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा इंडियन बैंक का, दैट इज इन चेन्नई। ठीक है, हेडक्वार्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर बैंक इज इन चेन्नई। और इसके जो करंट MD हैं, MD एंड CEO कौन है,
वो है हमारे पास पद्मजा चुंद्रू, ठीक है, इज द करंट एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडियन बैंक। सो डू रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। और ये याद रखिएगा, अलाहाबाद बैंक जो है उसका मर्जर इसमें हुआ है। तो अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट, वो क्या कि सिडबी के साथ इन्होंने टाई अप किया है और मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर्स के साथ। ये क्या करेंगे, सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे बेसिकली, स्ट्रीट वेंडर्स की जो है वो हेल्प की जाएगी ताकि वो अपनी जो पेमेंट्स वगैरह हैं, जो लोन वगैरह है, उसमें उनकी हेल्प की जा सके। सिडबी के साथ ये टाई अप हुआ है, ठीक है। आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करके बता दो कि हु इज द करंट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के करंट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है। ओके, याद रखिएगा सिडबी का जो हेडक्वार्टर है स्टूडेंट वो लखनऊ में है, ठीक है, हेडक्वार्टर ऑफ सिडबी इज इन लखनऊ उत्तर प्रदेश। और इसके करंट जो चेयरमैन और एमडी हैं वो हैं देवेंद्र कुमार सिंह, याद रखिएगा देवेंद्र कुमार सिंह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए हो जाता है, याद रखेंगे। चलो जी, जापान कोस्ट गार्ड टेस्ट सी गार्डियन। देखिए यहां पर जापान और चाइना के बीच में भी प्रॉब्लम पिछले कुछ टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो इन्होंने क्या किया है, हमारे पास ड्रोन का यूज करना शुरू कर दिया सर्विलेंस, नजर रखने के लिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का ड्रोन जिसको नाम दिया गया है सी गार्डियन। तो आपने याद रखना है कि सी गार्डियन नाम के ड्रोन का यूज किसने करना शुरू किया है, मैरीटाइम सर्विलेंस के लिए, सो दैट इज बाय जापान। तो इसका यूज किया जाएगा हमारे पास सिरिकु नॉर्थ ईस्टर्न जापान में और भी जितने भी आसपास के एरियाज हैं ईस्ट चाइना सी में। आपको स्टूडेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि जापान चाइना का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मेन इशू चल रहा है, वो सेनकाकू आइलैंड्स को लेकर चल रहा है। इन आइलैंड्स का नाम याद रखिएगा, पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेनकाकू आइलैंड्स जो है डिस्प्यूट चलता है और चाइना इसको अपना पार्ट क्लेम करता है और जापान अपना। और यहां पर आप याद रखिएगा कि इनको सेनकाकू आइलैंड तो कहा जाता है जापान में, लेकिन जो हमारे पास चाइना वाले हैं वो इनको बोलते हैं देवू आइलैंड, और ताइवान वाले बोलते हैं कि हमारे आइलैंड है, और वो इनको बोलते हैं तेयोती आइलैंड्स। तो याद रखिएगा सेनकाकू आइलैंड इज वन ऑफ द मोस्ट डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन जापान एंड चाइना। तो इन दोनों के बीच में इस चीज को लेकर बहुत बड़े लेवल पर कंफ्लिक्ट है। चलो आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन, आप मुझे बता दीजिए स्टूडेंट ओल्ड नेम ऑफ जापान। हाँ जी, जापान के ओल्ड नेम बता दीजिए, ओल्ड नेम ऑफ जापान, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। एक तो स्टूडेंट याद रखिएगा जापान के प्राइम मिनिस्टर भी रिसेंटली चेंज हुए हैं, योशिदा सुगा, ठीक है, न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। और जापान का जो ओल्ड नेम है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है निपोन, ठीक है, निपोन कोकू, ठीक है, ये ओल्ड नेम था हमारे पास जापान का, निपोन कोकू। नेक्स्ट हमारे पास द बैटल ऑफ बिलोंगिंग इज सेट टू रिलीज। देखिए हमारे पास इंडिया के जाने माने पॉलिटिशियन और रिनोड राइटर शशि थरूर की एक बुक आने वाली है, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आपसे कहीं भी पूछा जा सकता है कि बैटल ऑफ बिलोंगिंग बुक जो है वो हमारे पास किसकी बुक है, सो दैट इज द बुक ऑफ शशि थरूर। सो शशि थरूर हमारे पास लोकसभा के मेंबर हैं तिरुवनंतपुरम केरला से, और बहुत टाइम से ये हमारे पास सर्व कर रहे हैं इंडिया को। आपको स्टूडेंट एक चीज और याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक इंडिया के जाने माने राइटर हैं, इवन इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है। चलो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आज लास्ट क्वेश्चन का आंसर दे दो, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, कि हमारे पास साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है वो मिल चुका है शशि थरूर को। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके बताइए कि साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको किस बुक के लिए दिया गया था। हाँ जी, शशि थरूर को साहित्य अकेडमी अवार्ड किस बुक के लिए दिया गया था। याद रखिएगा बुक का नाम था एन ईरा ऑफ डार्कनेस, बुक का नाम याद रखिएगा, बुक का नाम था एन ईरा ऑफ डार्कनेस, ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। सो ब्रिटिश एम्पायर को लेकर ये बुक थी, ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, इस बुक को लेकर इनको मिला था हमारे पास साहित्य अकेडमी अवार्ड। ये बुक बहुत ज्यादा हिट थी, ठीक है। एक इनकी एक और बहुत फेमस बुक है वाई आई एम हिंदू, तो इन बुक्स के नाम आप याद रख लीजिएगा। एक तीन बुक्स मैंने आपको है शशि थरूर की बताई, एक तो है वाई आई एम हिंदू, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग एंड थर्ड एन ईरा ऑफ डार्कनेस ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ये तीनों बुक्स हमारे पास किससे रिलेटेड है, ऑल थ्री बुक्स रिलेटेड टू शशि थरूर।
ओके लास्ट न्यूज फॉर द डे स्टूडेंट, वर्ल्ड फूड डे जो है 16 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया गया। याद रखिएगा थीम ग्रो नरिश सस्टेन टुगेदर, और यहां पर प्राइम मिनिस्टर ने कॉमरेटिव कॉइन भी जारी किया इस पूरे इश्यू को लेकर, इस पूरे कंसर्न को लेकर। और यहां पर जो ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व रहती हैं, दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूएन। ओके सो इसकी 75th एनिवर्सरी हमारे पास होती है, तो उसी को हमारे पास ऑब्जर्व किया गया एज वर्ल्ड फूड डे। तो इसका हेडक्वार्टर याद रखेंगे, इसका हेडक्वार्टर हमारे पास कहाँ है, रोम इटली में। अगर आप वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो हमारी एक वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, आप हमारे पास हमारे चैनल पर जाकर वहां पर वीडियो को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द स्टूडेंट, आशा करता हूँ आपको सब अच्छे समझ आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।